नमस्कार विद्यार्थियों, अपन कल अध्ययन कर रहे थे मौलिक अधिकारों के ऊपर। और हमने ये देखा कि मौलिक जो अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 के अंदर इनका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका क्या किया गया था? वर्णन किया गया था। और हमने ये देखा कि मूल संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। बट लेकिन एक संशोधन हुआ, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के अंदर। उसके अंतर्गत एक संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया और उसे अब क्या कर दिया गया? कानून अधिकार बना दिया गया है। हम देख रहे थे समता या समानता का जो अधिकार है वो पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने अनुच्छेद 14 देखा, 15 देखा, 16, 17। अब एक और बच रहा है, उसके अंदर अनुच्छेद 18। देखिए, क्षमता या समानता, समता या समानता का अधिकार क्षमता या समानता का जो अधिकार है ये अपन ने ये देखा कि अपना जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकल नंबर कितने से? 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका क्या किया गया है भाई? वर्णन किया गया है। तो अपन ने ये देखा, देखिए आप अनुच्छेद 18, इससे पहले अपन ने और अध्ययन किया 17 में क्या था? अस्पृश्यता का अंत था। 16 के अंदर समान अवसर, 14 में सभी समान है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या किया गया है भाई? अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों को क्या करता है? अंत करता है। वैसे पहले बहुत सारी उपाधियां मिला करती थी, लेकिन हमें कुछ उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि भाई रोल एक्ट जैसे पारित हुआ उसके विरोध के अंदर जैसे प्रदर्शन हो रहा था तो एक घटना घटी पंजाब के अंदर, कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके अंदर बहुत सारे हमारे भारतीय जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने उपाधियां वापस लौटा दी थी। तो पहले उपाधियां थी, लेकिन उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। अब इसमें दो क्षेत्र छोड़े गए हैं, कौन सा? एक तो सेना का और शिक्षा। सेना और शिक्षा ये दो क्षेत्र हैं जिनके अंदर उपाधियां दी जाती हैं। अपनी सेना कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। भारतीय सेना जो है वो 3 प्रकार की, उन तीनों सेनाओं में उपाधियां दी जाती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ उपाधियां मिलती हैं। 1954 के अंदर, 1954 में एक संशोधन किया गया है और 1954 में जो संशोधन किया गया उसके अंदर 4 प्रकार, जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण पद्मभूषण भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मभूषण ये उपाधियां दी जाती हैं। और एक यदि विदेशी कोई उपाधि अपने को प्राप्त होती है, विदेशी उपाधि यदि कोई प्राप्त हो रही है तो उसके अंदर राष्ट्रपति जो महोदय है उनकी अनुमति क्या है? जरूरी है। राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति जी जो है इनसे अनुमति हमें लेनी पड़ती है यदि कोई विदेशी उपाधि
मिल रही है। तो भाई ये अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। इन दो क्षेत्रों के अंदर उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन इनमें भी कुछ लिमिट्स हैं उसी के अनुरूप। और यदि कोई विदेशी उपाधि प्राप्त हो रही है किसी को, तो किससे परमिशन लेनी होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति उसे परमिशन देंगे, उसके बाद में उसे उपाधि दी जाएगी। अब अपना दूसरा जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। मानव जो है वो प्रकृति से ही क्या स्वतंत्र उत्पन्न होता है। प्रकृति में तो जीव जंतु भी रहते हैं, लेकिन मानव जो है वो आखिर इंसान है, इसलिए उसे गरिमा में जीवन, कैसा जीवन, गरिमा में जीवन, जीवन जीने का क्या है, उसे अधिकार है। इसलिए इसको कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब अपन आर्टिकल नंबर 19 देखते हैं, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर हमारा जो भारतीय संविधान है, ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने को, वैसे पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है अपने को। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपने को वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। पहले 7 प्रकार थे, लेकिन एक कौन सा, संपत्ति वाला जो है वो हटा दिया गया है ना, इसके कारण कितने, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की अपने को क्या है भाई, स्वतंत्रता है। अपन विचार रख सकते हैं, अपने जो विचार हैं उनको अपन व्यक्त कर सकते हैं, ये अपने को क्या है, स्वतंत्रता। लेकिन ऐसे विचार अपन व्यक्त नहीं कर सकते जो अपनी राष्ट्रीय एकता को क्या, खतरा पहुंचे, राष्ट्रीय एकता को खतरा नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसे अपन विचार व्यक्त कर सकते हैं। प्रेस वाली जो स्वतंत्रता है वो भी पहले अपने को नहीं थी, लेकिन बाद में मिली। तो राष्ट्रीय एकता जो है इसको खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। तो पहली कौन सी भाई, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी देखिए, शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से अपन कोई भी जुलूस निकाल सकते हैं, उसमें अपन उपद्रव नहीं कर सकते। शांतिपूर्ण तरीके से अपन जुलूस निकाल सकते हैं, यदि कोई ऐसा उसमें उपद्रव हुआ तो फिर वो क्या है, कानूनन एक अपराध है, ऐसा अपन नहीं कर सकते। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो
अधिकारी है, वो सक्षम अधिकारी उसकी अपने को क्या देगा, अनुमति देगा और अपन ये कार्य कर सकते हैं। तीसरा देखिए, संगठन एवं संघ बनाने की, संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, अपन कोई संगठन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, ये अपने को स्वतंत्रता है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। अपन कोई भी संगठन बना सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसमें अपने को क्या कार्य करने हैं उन सब का उसके अंदर विवरण देना पड़ता है। अपन संघ बना सकते हैं। नंबर 4, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता भी है भाई अपने को। लेकिन कई स्थान ऐसे, कई जगह ऐसी हैं जहां पर वैसे अपन रह नहीं सकते। जैसे अपवाद के रूप में अपन देखते हैं कि जम्मू जो कश्मीर राज्य था पहले, उसे अब क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं दो उसके। तो उस राज्य के जो निवासी हैं वो कहीं भी जाकर के अपना परमानेंट निवास बना सकते हैं। बट लेकिन भारत के और अदर जो स्टेट के जो भी नागरिक है वो वहां जाकर के परमानेंट निवास नहीं बना सकते। तो भारत के राज्य क्षेत्र में अपन घूमने फिरने की क्या है, स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल किसमें है भाई, 19 के अंदर है। नंबर 5, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। लेकिन अपवाद, अभी मैंने बताया कि अपवाद है क्या, जे एंड के, ये अपवाद है। ये यहाँ के व्यक्ति तो हर जगह जाकर के रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, अपनी भूमि खरीद करके वहां अपना निवास बना सकते हैं। लेकिन हम यदि वहां जाकर के अपना परमानेंट स्थायी निवास करना चाहे तो वहां नहीं हो सकता। नंबर 6, किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यापार करने की क्या अपने को स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ व्यापार ऐसे हैं उनके अंदर क्या चाहिए अपने को, कुछ डिग्रियां चाहिए। बिगर डिग्रियों के अपन व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए डिग्रियां तो हमें क्या हासिल करनी ही होंगी। किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता, लेकिन दैहिक व्यापार अपन नहीं कर सकते हैं, ये इसके ऊपर क्या है, प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता है, छूट है। वैसे 7वीं भी थी इसके अंदर, कौन सा, संपत्ति रखने का अधिकार था। लेकिन एक संशोधन हुआ संविधान में, कौन सा पन्ने पढ़ा है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1978 में, उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उसे क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं मिली अपने को, ये आर्टिकल नंबर किसमें है, 19 के अंदर है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है,
छह प्रकार की दी गई है। अनुच्छेद 20 देखिए अब। आर्टिकल नंबर 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद जो 20 है इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए जैसे किसी अपराध में पकड़ लिया जाता है तो उसे अपना वाद दायर करने की क्या है स्वतंत्रता है इसके अंदर। अपराध के लिए दोष सिद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्ध संरक्षण की स्वतंत्रता, अपराध के लिए दोष सिद्ध संरक्षण की क्या है स्वतंत्रता है इसके अंदर है, ये आर्टिकल नंबर 20 में है, अनुच्छेद 20 के अंदर है। अनुच्छेद 21 देखिए भाई, अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने जीवन जीने का क्या है इसमें अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता। जीवन जीने का अधिकार इसमें अपने को दिया गया है, ये किसमें है, ये आर्टिकल नंबर 21। किसी भी व्यक्ति को अपन मार नहीं सकते, यदि ऐसा करते हैं तो किसका हनन हो रहा है, उसके जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उसका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, इसलिए अनुच्छेद 21 में ऐसा कहा गया है। कई राजनीतिक वैज्ञानिक को ने बताया है कि भाई मानव जो है वो प्रकृति से स्वतंत्र पैदा होता है, वैसे जीव भी होते हैं, लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य योनि जो है और इंसान जो है इसको गरिमा में जीवन जीने का क्या है अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 21 में अपने को जीवन का अधिकार है। और अपने को अपनी इच्छा से, यदि अपनी इच्छा से अपन मृत्यु करें, मृत्यु या शरीर का अपन त्याग करें, देह त्याग करें, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है। पहले एक संथारा पद्धति भी कहते हैं इसे, इच्छा मृत्यु कहलाती है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अपन इच्छा मृत्यु नहीं कर सकते। इस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत हमारे को इसमें संरक्षण प्राप्त है। अभी एक संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, छियासीवां संविधान संशोधन 2002 हुआ है, जिसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का हमें क्या मिला है, अधिकार मिला है, और संविधान में क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 के या ए या ये, अनुच्छेद 21 के ये जोड़ा गया है। इसमें क्या है भाई, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। और ये कब हुआ, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब, 2002 के अंदर हुआ, जिसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़ दिया गया, या 21 ये भी कह सकते हैं अपन इसे, या 21 ए भी कह सकते हैं अपन, ये इसके अंदर
जुड़ा है। इसमें क्या है भाई, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी। और अपने माता पिता या बच्चे जो हैं ये 6 से 14 वर्ष की आयु के, इनके माता पिता का भी एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या दिलाए, शिक्षा दिलाए। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 जो है ये अपनी सुरक्षा के लिए, मान लीजिए कोई न्यायालय के अंदर अपना केस या वाद दायर हो गया तो उसके लिए अपन स्वयं उसकी पैरवी कर सकते हैं। तो ये सभी अधिकार मिले हुए हैं, ये स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है उसका ये विवरण है। और नेक्स्ट।